तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड एक बार वापस आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे, जिसका नाम है दारिल जंक्शन 3.1। एंड कल रात को मैंने आपको एक गुड न्यूज़ दी थी। हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि है बांद्रा टर्मिनस से दिल्ली सराय रेल के बीच चलने वाली है, एंड उदयपुर सिटी न्यू जलपाईगुड़ी, इन दोनों में इलेक्ट्रिक इंजन लगने जा रहा है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लो। एंड परसों रात को भी आपको एक वीडियो बना के दी थी कि अहमदाबाद से चार ट्रेनें हैं जिनको ई लोको मिलने जा रहा है, अहमदाबाद लखनऊ, अहमदाबाद सुल्तानपुर, अहमदाबाद गोरखपुर। वो दोनों आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ उन ट्रेनों की जो कि मेरे जोन में, मतलब NWR के जोन में तो नहीं आती है, और ना ही इनकी आपको वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगी। बाकी जो ट्रेनें हैं मैंने आपको कल और परसों वाले वीडियो में बताई, वो सारी की फर्स्ट ट्रेन आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले ट्रेन पे चलते हैं। तो ये ट्रेन है नॉर्थन रेलवे की, जो है आनंद विहार टर्मिनल से लेकर बापूधाम मोतिहारी तक चलने वाली, जिसका नंबर है 14010 एंड 14009। ये ट्रेन 8 तारीख से आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। ट्रेन 9 तारीख से चलेगी बापूधाम मोतिहारी से। अगली गाड़ी है आनंद विहार रक्सौल, जिसका नंबर है 14008 एंड 14007। ये ट्रेन भी इलेक्ट्रिक इंजन से चलने जा रही है एंड टू एंड आनंद विहार से। ये चलेगी 11 जनवरी से, एंड रक्सौल से ये चलेगी 14 जनवरी से। अगली गाड़ी है आनंद विहार सुल्तानपुर एक्सप्रेस, ये भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलने जा रही है एंड टू एंड आनंद विहार से। ये चलेगी 8 जनवरी से एंड 9 जनवरी से ये चलेगी सुल्तानपुर से। अगली गाड़ी है आनंद विहार रक्सौल, जिसका नंबर है 14016 एंड 14015। ये ट्रेन भी एंड टू एंड इलोको से चलेगी आनंद विहार से। ये 9 जनवरी से ही लोकोमोटिव से चलने जा रही है एंड 11 तारीख से ये 11 जनवरी से रक्सौल से चलेगी। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना ज़रूर। एंड अभी मैंने जितनी भी ट्रेनों का नाम लिया, एक तो हमारी दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस, उदयपुर सिटी न्यू जलपाईगुड़ी, एंड अहमदाबाद लखनऊ, अहमदाबाद गोरखपुर, अहमदाबाद वाराणसी, इन सब का आपको फर्स्ट इलेक्ट्रिक रन आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।